subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Nabi Sulaiman alaihi salam Hazrat Daud alaihi salam ke bete hain aur unki hukumat hai aur wo badshah the hakimiyat Allah ne unko badshahat ki shakal mein di thi. Sun rahe hain zara? Kyunki mansab Allah ki taraf se hai, jo marzi unwan de dijiye, kyunki ilahi mansab hai. तो ओहदे पे आने वाला इलाही नुमाइंदा है. तो नबी सुलेमान है और जिनों पे भी हुकूमत थी, चरिंद पे, परिंद पे, जमीन पे, समंदर पे, दरिया पे, जंगलात पे, हर जगह हुकूमत थी. उनका तख्त जिन उठा के फिरा करते थे. जहन में आ गया होगा, कुरान की आयत है. तो एक मर्तबा जनाबे सुलेमान का तख्त उठा के जिन ले जा रहे थे और परिंदे मामूर थे कि सूरज की तरफ इस तरह से उड़ेंगे दो सफों में कि जब वो पर मारें तब भी सूरज की रोशनी जनाबे सुलेमान पे ना पड़े. तो अचानक सूरज की किरण जनाबे सुलेमान के चेहरे पे पड़ी तो कहा कि किसकी जिम्मेदारी थी? ये बादशाहत नहीं है जब नबी खुदा किसी को किसी काम पे मामूर कर दे. फिर उसे इख्तियार नहीं है कि उस काम को छोड़ दे. तो आपने जनाबे सुलेमान ने फौरन सवाल किया, मैं तो इशारे करते हुए आगे बढ़ रहा. तो जनाबे सुलेमान ने कहा, ये किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी मसूलियत थी, कौन जिम्मेदार था मेरे चेहरे पे यहां पे साया करने के लिए, सूरज की रोशनी रोकने के लिए? तो एक मतलब एक परिंदे ने कहा, ए नबी खुदा हुदहुद के यहां पे हुदहुद ने उड़ना था. तो जनाबे सुलेमान, कुरान की आयत है, लअज़बहन्नहु, मैं उसे जरूर जरूर ज़िबह कर दूंगा. घबरा रहे हज़रा अजीजाने गिरामी, कोई ये ना कहे ये बादशाहत बोल रही है, नबुव्वत बोल रही है कि अगर नबुव्वत का हुक्म है तो ये नबुव्वत का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है. जो नबी की नाफरमानी करे लअज़बहन्नहु हो, मैं उसके उसको ज़िबह कर दूंगा अगर वो मेरे पास दलील ना लेके आया. क्यों गायब था? एक मतलब हुदहुद वापस आया, कहे नबी खुदा माफी चाहता हूं, मैं वैसे ही सैर करता करता बाहर निकल गया आपकी हुकूमत से. मैंने देखा करीब में खातून की हुकूमत है, मलका सबा है वहां पे, और वाकई जहनों में है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं. तो कहा वहां एक औरत, एक खातून हुकूमत करती है और सारा निजाम बिल्कुल सही चल रहा है. तवज्जो हो, अभी तक तसव्वुर नहीं था कि औरत हुकूमत करेगी और वो निजाम सही चल रहा होगा. कर निजाम बिल्कुल सही चल रहा है. उसने इतनी तारीफ की कि हजरत सुलेमान ने कहा, कौन है जो उस तख्त को उस मलका बिल्किस समेत यहां लेके आए? तवज्जो. तो काला इफरीतो मिनल जिन, सूरह नमल सूरह नंबर 27, काला इफरीतो मिनल जिन, मैंने सारी आयात छोड़ दी है वक्त की वजह से, किल्लत की वजह से. तो जिनों में से इफरीत ने कहा, जिनों में एक नाम था इफरीत, ऐन से इफरीत, काला इफरीतो मिनल जिन, अल्लाह कुरान में कह रहा है, जिनों में से इफरीत ने कहा, अना उची का, मैं जाऊंगा जल्दी से इससे पहले के, कबला तकूमा में मकामे, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठ के, इससे पहले कि आप उठ के चले जाएं, मैं जाऊंगा वो तख्त उड़ता हुआ जाऊंगा, तख्त उठा के ले आऊंगा. इतने जल्दी तख्त उठा के ले आएगा? तो जनाबे सुलेमान ने कही तो बहुत देर है. तो अल्लाह सुभानहु तआला ने कहा, वकाला मन इंदहु इल्मु मिनल किताब मिन तबईदिया है, अल्लाह कह रहा उसने कहा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था. अल्लाह ने कहा अल किताब, ये नहीं कहा कौन सा, तवज्जो हो, अल्लाह ने कहा वकाल मन इंदहु इल्मु मिनल किताब, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था. अल्लाह ने नाम नहीं बताया, ये तो हमें मासूमीन ने बताया, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने कहा, नाम था आसिफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं. आसिफ इब्ने बरखिया जो वसी थे जनाबे सुलेमान के, काला मन इंदहु इल्मु मिनल किताब अना उची कबे, मैं वो जाऊंगा तख्त को बगैर जाए, वो तख्त वहां से यहां ले आऊंगा. आप है फलस्तीन में, वो यमन में, मैं वो तख्त पलक कबला यर्तद्दा तरफ आयनुक, आपके पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त ले आऊंगा. तवज्जो. अब पूछा छठे इमाम से, अगर उनके वसीय कर सकते थे तो क्या जनाबे सुलेमान ऐसा नहीं कर सकते थे? तो छठे इमाम ने कहा ऐसा कर सकते थे नबी सुलेमान, क्या फिर क्यों खुद नहीं किया? क्या वो चाहते
उनके मसीह का मकाम लोगों को पता चले। जनाबे सुलेमान चाहते थे उनकी उम्मत को पता चल जाए कि उनका वसी कौन है, वसी का मकाम क्या है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा था पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्ते बिलकिस ले आऊंगा। क्या कि ऐसा किया? कुरान कह रहा एक मर्तबा उन्होंने अपना इस्मे आजम इस्तेमाल किया, इस्मे आजम इस्तेमाल किया और एक मर्तबा तख्ते बिलकिस आ गया। बिलकिस ने जनाबे सुलेमान को देखा, दरबार को देखा, समझ गई ये मेरा दरबार नहीं, ये मेरे दरबारी नहीं। लेकिन तख्त को देखने के बाद कहा अन्नहु हुआ, ये तख्त बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। जनाबे आसिफ ने कहा तख्त तेरे तख्त जैसा नहीं, मैं तख्त समेत ले आया हूं। तो आलम कौनो मका में कोई विलायत रखता था ना, नहीं पहुंचा सका। अजीजाने गिरामी, जनाबे सुलेमान उली लजम पैगंबरों में नहीं है। 1,24,000 अंबिया, सरदार अंबिया, रसूल खुदा, सबसे बड़े नबी हमारे नबी, नहीं है मजमा मेरे साथ, सबसे बड़े नबी हमारे नबी। जनाबे सुलेमान बड़े अंबिया में नहीं है। खत्मी मर्तबत तो क्या, जनाबे इब्राहिम, जनाबे नूह, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा के बराबर भी नहीं है। जनाबे सुलेमान एक छोटे नबी है अंबिया के मुकाबले में। कोई नबी छोटा नहीं होता, लेकिन पैगंबर के मुकाबले में छोटे नबी है। एक छोटे नबी का एक छोटा वसी तख्त ले आया, सबने मान लिया, सबसे बड़े नबी का सबसे बड़ा वसी। तो मैंने सारा कुछ सुनाया ही नहीं है। जाने के डामी आइए जरा, मैं बस वक्त तमाम हो चुका मेरा बिल्कुल, हत्ता खुदा गवाह है मसाक का वक्त भी तमाम हो चुका है, लेकिन एक आयत को लाजिम समझता हूं पेश करूं। मैंने सूरह नमल की 27वें सूरे की आयत को पेश किया, काला मन इंदहु इल्मु मिनल किताब, जिसके पास किताब का कुछ इल्म था उन्होंने कहा मैं पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त ले आऊंगा। यह 27वां सूरा है, सूरा नंबर 13 सूरा राद है, आयत नंबर 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, और वो जो काफिर हैं मेरे रसूल वो आके आपसे कहते हैं आपको अल्लाह ने नहीं भेजा। قُلْ इनसे कह दीजिए कफा बिल्लाह शहीदं बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ऐ काफिरो तुम्हारे और मेरे दरमियान बस दो गवाह काफी हैं किस चीज के, मैं रसूल हूं। अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल इनसे कह दीजिए कि ए मुशरिको काफिरो तुम्हारे और मेरे दरमियान बस दो गवाह काफी हैं कि मैं रसूल हूं, एक खुद अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब मैं तलाश करता रहा सारी तारीख में ये कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मैंने तमाम सहाबा में उठा के देखा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था जिसको मैं कह सकूं इनके पास सारी किताब का इल्म है। फिर मैंने ताबेईन में देखा, मुझे ताबेईन में कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसके लिए मुताल्लिक कह सकूं कि पूरी किताब का इल्म इनके पास है। फिर तबा ताबेईन में देखा, मुफस्सरीन में देखा, मुहद्दिसीन में देखा, उदबा में देखा, शुआरा में देखा, मैंने फुकहा में देखा, उसूलियों में देखा, अखबारियों में, सब में देख लिया, मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने मस्जिद कूफा के मिंबर पे देखा तो कोई बैठा कह रहा था सलूनी सलूनी।
कोई मस्जिद कूफा के मेंबर पे कह रहा था, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। ये उनका कहना बता रहा था, जिसने जो सवाल किया उन्होंने जवाब दे के बताया कि मैं पूरी किताब का इल्म रखता हूं। और जब किसी ने कहा या अली ये कहां से, तो कहा हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये जो मेरी विलादत पे पैगंबर ने जबान चसाई थी उसका असर है। तो एक बात वाजे हो गई, जो असली होता है ना वो सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता। वो हमेशा पैगंबर की तारीफ करता रहेगा, वो कहेगा ये पैगंबर का लुआब दहन है जो मुझ में असर रखता है। बात पहुंच गई है जाने के रामी।